तो गाइस, गर्मी में अक्सर आप देखते हो कि मधुमक्खियाँ या ततैया जो होती है बहुत ज़्यादा घूमती रहती है, और अगर आप कई बार उनके तरफ चले जाते हो या बाइक्स में कई बार हेलमेट के अंदर घुस जाते हो तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बाइट कर लेती है, जिसकी वजह से आपकी आँखों में, मुंह पे सूजन आना शुरू कर लेता है। तो चाहे वो आप मधुमक्खियाँ कहें या ततैया कहें, तो दोनों ही कंडीशन में ट्रीटमेंट जो होता है सेम ही होगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि मधुमक्खी के काटने पर सूजन को कैसे ठीक किया जाता है। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। ये आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मधुमक्खी का काटना एक नॉर्मल प्रक्रिया होता है बेसिकली। अब ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मियों के टाइम ही निकलते हैं ये चीज़ें। आप जैसे चल रहे हो, कई बार काट लेता है, मुंह पे काट लेता है। अगर आप कहीं पर किसी और जगह पर एक काट लेते, जैसे बॉडीज या गर्दन से नीचे काट ले, तो स्वेलिंग इतनी नहीं बढ़ती है, लेकिन मुंह पे, नाक पे काट ले तो बहुत ज़्यादा सूजन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा अजीब भी लगता है। अब जो इसका टाइम लिमिट रहता है, वैसे तो 2 दिन के अंदर इसकी सूजन जो होती है अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन अगर गलती से आँख पे काट दे तो बोरी आँख कैप हो जाती है, जिससे आप दिखाई भी नहीं देता, थोड़ा अजीब टाइप का वो लगता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि सूजन आती क्यों है। देखिए, मधुमक्खियाँ हो या ततैया हो, इनमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाईली होते हैं, जो हमारी बॉडी में जाकर हमारे सेल्स के साथ रिएक्शन कर जाते हैं या इन्फेक्शन कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती है। और जो इसके काटने पर जो इसमें एक प्रकार का पॉइजनिंग होता है, जिसको आप फार्मिक एसिड जिसको कहते हैं, जो नेचुरल होता ही है मधुमक्खी में, चींटी में, या नेचुरली उनमें चीज़ें होती है उनके सेफ्टी के पर्पज़ से कहें, या अपनी जान बचाने के लिए वो चीज़ें इनके पास होती ही है। तो जब ये आपकी बॉडी में इंटरेस्ट करते हैं तो आपकी बॉडी उनके साथ रिएक्शन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से सूजन बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जानते हैं इसमें कौन सा आप ट्रीटमेंट या कौन सी आपने दवाई लेनी है जिससे जल्दी ठीक हो जाता है। इसमें जो मेडिसिन आती है आपने लेनी है, पहले मेडिसिन आती है आपका सेरेपिटेडस मेडिसिन, जो 10 mg में देखने को मिल जाती है। ब्रांड नेम आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे जिससे आप यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली उन केमिकल्स को ब्लॉक कर देता है या उन एंजाइम को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से सूजन वगैरह बढ़ रही है, तो उसको कम करने में मदद करता है। अगर आपको दर्द और सूजन दोनों ही महसूस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसमें आप जीरोडोल SP मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन कॉमनली कहीं पर मिल जाएगी। सेरेपिटेडस जो होती है प्लेन आपको बहुत कम मिलती है, तो जीरोडोल SP का ही यूज़ कर सकते हो। ये दर्द और सूजन दोनों ही प्रकार से काम करती है। दूसरा मेडिसिन आपने इसमें क्या लेना है, आप या तो डेक्सोना मेडिसिन ले सकते हैं, बेट्रिसोल ले सकते हैं, या फिर प्रेडनिसोलोन, या कहीं तो ओमनाकोटिल जैसी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये एक एस्टेरॉइड मेडिसिन होती है और उन केमिकल्स मैसेंजर को ब्लॉक कर देती है जिससे सूजन या एलर्जी कंडीशन आपसे देखने को मिल रही है। तो इनमें से आप कोई भी एक मेडिसिन का यूज़ कर पाएंगे। तीसरा इसमें लेना है आपने एविल मेडिसिन, जो कि एक एंटी एलर्जिक एंड एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन होता है, जो एलर्जिक कंडीशन को कम करने में मदद करता है। मात्र 3 ये मेडिसिन आपने लेनी है और 1 से 2 खुराक में ही आपका काम जो होगा वो हो जाएगा। अगर सपोज करके आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर मेडिकल नहीं है, तो उसमें आपने क्या करना चाहिए। देखिए, ये चीज़ें कहीं पर भी ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हमने आजमाई है। जैसे कि लोहे की चीज़ अगर जहीं पर कट गया वहीं पर आप लोहे की चीज़ रगड़ते हो तो वो चीज़ें ठीक हो जाती है। ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल भी मैंने किया है, तो मुझे पता है, क्योंकि ततैया मधुमक्खी हर जगह है, आपकी जगह भी, हमारी जगह भी, और कभी ना कभी किसी ने किसी को काटा ही है। तो ये चीज़ें आप ले सकते हो, ये दवाई आप ले सकते हो। वैसे आजकल हर गली मोहल्ले में मेडिकल हो ही गया, तो आप इन मेडिसिन का यूज़ कर पाएंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर आपको मधुमक्खी के काटने का सूजन जल्दी ही उतारना है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारी 97% ऑडियंस जो होती है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी अच्छा मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी देने का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।